फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो स्पेशल मैं ये बनाने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये मूली है, मुरई का पत्ता जो साग बोलते हैं। तो इसका पकौड़ी बनाएंगे बेसन डाल के। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप हमारे इस ब्लॉग वीडियो पे बने रहिएगा और मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड ये मुरई का पत्ता है और इसमें अदरक है और हरी मिर्च है और मैं अभी इसमें बेसन और चावल का पाउडर जो होता है ऐड करूँगी। तो देखिए, इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पर बेसन और जो चावल का पाउडर है मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर बेसन और हल्दी और नमक ले ली हूँ और ये वाला जो देख रहे हो ये चावल का आटा है। तो चावल का आटा मैं इसमें इसलिए दी हूँ ताकि जो मैं मतलब जो बन सॉरी मुरई का जो पत्ता का मैं ये बना रही हूँ पकौड़ी, तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। इसलिए मैं चावल का आटा दी हूँ ताकि ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो चलिए, मैं इसमें सारा चीज़ दे दी हूँ। तो मैं फिर से बोल देती हूँ इसमें क्या क्या दी हूँ। मैं इसमें दी हूँ मुरई का पत्ता है और अदरक है और अदरक और हरी मिर्च है और ये बेसन है और ये चावल का जो आटा होता है वो है और नमक। तो चलिए, मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ अच्छा तरह से पानी डालकर। तो ज़्यादा पानी मैं नहीं दूंगी, थोड़ा सा पानी दूंगी क्योंकि पत्ता में तो पहले से ही पानी छोड़ता है। तो चलिए, मैं इसको अच्छा तरह से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड। तो अभी शाम का समय है तो सबको पकौड़ा खाने का मन था, तो मैं सोची कि चलो मैं बना भी लेती हूँ और फ्रेंड लोगों को दिखा भी दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं इसको अच्छा तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड मेरा यहाँ पर पेस्ट पूरा हो गया है, अच्छा तरह से मिक्स कर दी हूँ। तो चलिए, मेरा कढ़ाई भी अच्छा से गर्म सॉरी तेल भी मेरा अच्छा से गर्म हो गया, तो आप लोग देख सकते हो धुआँ निकल रहा। तो चलिए, मैं इसमें अब ये ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए फ्रेंड, तो मैं छोटा छोटा दूँगी, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं दूँगी। तो चलिए, मैं पहले इसको अच्छा तरह से शेप में ला के दे रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड। और एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को, तो ये पत्ता जो है मुरई का, तो अगर आप लोग ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुरई का जो पत्ता है साग, तो इसको पहले आप नमक दे के ठंडा पानी में नमक दे के रख दीजिएगा ताकि जो पत्ता में थोड़ा बहुत कीटाणु उटाणु होता है, जो कीड़ा मकोड़ा वो बाहर आ जाएगा। इसलिए नमक दे के इसको ज़रूर पानी में रखिएगा 10 से 5 मिनट तक, या 10 मिनट नहीं भी रखोगे तो चलेगा, 5 मिनट तक पर ज़रूर रखिएगा ताकि जितना इसका पत्ता में जो मकड़ा उकड़ा होता है ना बाहर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर सरसों का तेल में डाल दी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए, पहले मैं इसको अच्छा तरह से बना लेती हूँ। और फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।